नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कैसे आप लोग अपने Realme फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं। अगर आप लोग भी अपने फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स को ऑन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप अपने Realme फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तब समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, सिंपली अपना फोन डायलर जो जिससे आप कॉल करते हैं उस डायलर को क्या करना, आप यहां पे सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पे अपना ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स को ऑन करने के लिए सिंपली यहां पे आपको ऊपर साइड देखने को मिलेगा थ्री डॉट। बस क्या करना आपको, सिंपली इस थ्री डॉट में आपको क्लिक कर देंगे। जैसे थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स का एक ऑप्शन। बस क्या करना आपको, इस सेटिंग्स में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस यहां पे देखेंगे, मेरा यहां पे देखने को मिल रहा है कॉल रिकॉर्डिंग। तो गाइस अगर आपका यहां पे कॉल रिकॉर्डिंग आपको यहां पे देखने को नहीं मिले तो क्या करना, सिंपली आपको यहां पे बैक आ जाना है। जैसे बैक आएंगे, बैक आने के बाद क्या करना, अपना यहां पे जो आपका कॉलिंग जो जहां से कॉल करते हैं, जहां से कॉल लगाते हैं, बस क्या करना आपको, इस कॉल डायलर को आपको यहां पे सिंपली यहां पे कुछ सेकंड के लिए आपको यहां पे दबा के रखना है उसको। जैसे दबाएंगे, दबाने के बाद यहां पे आपको आ जाएगा ऐप इन्फो। बस क्या करना, सिंपली आपको इस ऐप इन्फो में क्लिक करेंगे। ऐप इन्फो में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना आपको, यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्टोरेज यूजेस। बस क्या करना आपको, इस स्टोरेज में आपको सिंपली क्लिक करेंगे। स्टोरेज में क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्लियर डेटा। बस क्या करना आपको, सिंपली इस क्लियर डेटा में क्लिक करेंगे। क्लियर डेटा में क्लिक करने के बाद यहां पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। यहां पे जितना भी क्लियर डेटा होगा, यहां पे आपका डेटा जो होगा यहां पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर करने के बाद क्या करना, सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से क्या करना, अपना जो आपके यहाँ पे डायलर है कॉल डायलर, बस क्या करना, सिंपली इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से क्या करना, अपना थ्री डॉट में जो थ्री डॉट में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद सेटिंग्स को यहाँ पे ऑन करेंगे। सेटिंग्स में ऑन करने के बाद यहाँ पे आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है तब वहाँ पे आप क्लियर डेटा मारेंगे। अगर आपका यहाँ पे आ जाता है तो सिंपली क्या करेंगे, इस कॉल रिकॉर्डिंग को आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, यानी अननोन नंबर्स का अगर आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे अननोन नंबर्स का कॉल आ रहा है या जा रहा है इधर से, इनकमिंग आउटगोइंग का, जो भी यहाँ पे अननोन नंबर्स का कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, सिंपली क्या करेंगे, इसको एनेबल कर देंगे। यानी इसको आपको क्या करना है, एलवेज रिकॉर्ड, यानी हमेशा के लिए इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद जब भी यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे, जब भी किसी अननोन नंबर से आपको कॉल आएगा और तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी इधर से अननोन नंबर से कॉल जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे देखने को मिलेगा, नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेलेक्टेड नंबर्स। बस क्या करना आपको, यहाँ पे इस सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपका फोन में जो भी नंबर सेव है, यानी सेव जो होता है कॉन्टैक्ट नंबर आपका, जिस किसी का भी सेव है, अगर उसका भी कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सिंपली क्या करेंगे, चूज कॉन्टैक्ट में क्लिक करके जिसका भी नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो भी नंबर का आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो उस नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अननोन नंबर का कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सिर्फ अननोन नंबर का कॉल आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको एनेबल कर देंगे। एनेबल करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका सिंपली आपको यहाँ पे नीचे दिखने का सेलेक्ट नंबर, इसमें क्लिक करके जिस किसी का भी आप सेव किए हैं कॉन्टैक्ट, उसका भी कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको भी ऑन कर देंगे, इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो भी कॉल आएगा ऑटोमेटिक यहाँ से, जो भी यहाँ पे अननोन नंबर का कॉल, तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो सेव कॉन्टैक्ट होगा, सेव कॉन्टैक्ट में जब भी कॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ से भी कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है यहाँ पे, तो क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पे क्लियर डेटा भी कर दिया, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन करना। यहाँ पे अपना प्ले स्टोर ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करना, सर्च करना आप यहाँ पे फोन लिख के। सिंपली आप यहाँ पे फोन लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नीचे आपको फोन बाय गूगल। बस क्या करना आपको, फोन बाय गूगल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे क्या करना, सिंपली आपको अगर आपको यहां पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, बस क्या करेंगे, इस अपडेट कर लेंगे। मेरा यहां पे अपडेट नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसको पहले से ऑलरेडी यहां पे अपडेट कर रखा है। अगर आपने अपडेट नहीं, अगर आपका यहां पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली क्या करेंगे, इस फोन बाय गूगल को अपडेट कर लेंगे। मेरा यहां पे अपडेट है। यहां पे अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिक यहां पे आपका जैसे सिस्टम, यहां पे आपका कॉल रिकॉर्डिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको नंबर्स नोट योर कॉन्टैक्ट, यहाँ इसको भी एनेबल कर देंगे। और जो भी सेव नंबर है उसको भी अगर कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसका भी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आपका कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे जब भी किसी का अननोन नंबर से कॉल आएगा या जाएगा तो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से बड़ी आसानी से आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।